हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस पिक्चर एडिटिंग में। आज हम आपको कुछ रेड ब्लू टोन एडिटिंग सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मैं ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो रोज लाता रहूँ, जिससे आप अपनी फ़ोटो को एडिटिंग सीख सकें और अपने सोशल मीडिया पर डालकर अपने फ्रेंड के पास भेज कर अपनी फ़ोटो को सबको चौंका दें। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फोटो को लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ लाइट वाले ऑप्शन पे आएंगे, थोड़ा सा लाइट एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक्सपोजर को हल्का बढ़ा देंगे और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को हल्का, हाईलाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। मैं कम कर दे रहा हूँ। शैडो को हल्का सा माइनस कर दीजिए, वाइट को हल्का सा बढ़ा लीजिए। उसके बाद ब्लैक को हल्का सा बढ़ा लीजिए। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ से इसके वाइब्रेंस को हम इतना इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद मिक्स वाले टूल पे जाएंगे, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेंगे और इसके लिए ल्यूमिनस को हल्का सा बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को हल्का सा माइनस कर देंगे। उसके बाद येलो कलर पे जाएंगे, इसके ह्यू को इतना माइनस कर देंगे, सैचुरेशन को और प्लस कर देंगे, ये इतना करीब करीब इतना प्लस कर देंगे। उसके बाद ग्रीन कलर पे आएंगे, इसके ह्यू को माइनस कर देंगे और इसके सैचुरेशन को और प्लस कर देंगे। उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद हमने फोटो को गैलरी में सेव कर देंगे, सेव टू डिवाइस। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब हम इस फोटो को डिलीट करेंगे, यहाँ से हम इस फोटो को डिलीट कर देंगे। उसके बाद ऐड फोटो में जाएंगे, जिस फोटो को हम लोग अपने गैलरी में सेव किए थे उस फोटो को हम यहाँ फिर से इंपोर्ट कर लेंगे। ये रही हमारी फ़ोटो। उसके बाद हम यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसके वाइब्रेंस को हल्का बढ़ा देंगे। उसके बाद मिक्स वाले टूल्स पे जाएंगे, इसके येलो कलर के सैचुरेशन को फुल माइनस कर देंगे, इसको ह्यूज को माइनस, सैचुरेशन को फुल प्लस कर देंगे। ग्रीन कलर पे जाएंगे, ह्यू को माइनस, सैचुरेशन को प्लस कर देंगे। उसके बाद यहाँ ऑरेंज कलर पे जाएंगे, इसके सैचुरेशन को माइनस, ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ से टेक्सचर हल्का सा बढ़ा देंगे, क्लियरिटी हल्की सी बढ़ा देंगे। उसके बाद मैग्नेट को हल्का करीब करीब इतना कर देंगे। यहाँ से ट्रायंगल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, शार्पिंग को इतना बढ़ा देंगे और नॉइज रिडक्शन को इतना, कलर वाइट एक्शन को इतना, ताकि हमारी फोटो में स्मूथनेस एकदम बरकरार रहे, बरकरार रहे। उसके बाद यहाँ से हम अपनी फोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन करेंगे। अपनी फोटो को हम स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ से हमें एक धनुष के आकार का एक आइकन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से काफ़ी सारे फिल्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से हम सबसे पहला नंबर लेटेस्ट एडिट्स चूज करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी फोटो जस्ट वन क्लिक में कुछ इस तरह रेड टोन में बन चुकी है, रेड पिंक टोन में आसानी से बन चुकी है। उसके बाद यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने के बाद पेंसिल वाले आइकन पर जाएंगे, यहाँ से इमेज टोन में। उसके बाद यहाँ से थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, ब्राइटनेस को हल्का बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा कम कर देंगे, सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा देंगे और एम्बिएंस को हल्का सा बढ़ा देंगे, हाईलाइट को हल्का सा। उसके बाद शैडो को हल्का सा कम कर देंगे, वॉल्यूम को हल्का सा बढ़ा के यहाँ से हम डन कर देंगे। उसके बाद पेंसिल वाले आइकन पे जाएंगे, यहाँ से हीलिंग वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और अपनी फोटो को थोड़ा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद यहाँ से जो हल्का पिंपल वगैरह आ रहा है इसे हम रिमूव कर देंगे। ये हो गया, यहाँ से हम डन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से फिर पेंसिल वाले आइकन पे हम जाएंगे, यहाँ से उसके बाद यहाँ
उसके बाद इस फोटो को हम अपने गैलरी में आसानी से यहाँ से